मिडिल ईस्ट में इसराइल चौतरफा हमलों से घिरा हुआ है। यमन का हूती, सीरिया और इराक के प्रतिरोधी समूह, गाजा का हमास, लेबनान का हिजबुल्ला इसराइल की कमर तोड़ने में लगे हुए हैं। और इन सभी के पीछे हाथ है ईरान का। लेकिन 27 सितंबर 2024 को इसराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्ला प्रमुख हसन नसरल्लाह को ढेर कर दिया था और उसके बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कह दिया कि अब वो हिजबुल्ला का सफाया करेंगे और यहीं से इजरायली सेना सीमित ऑपरेशन के तहत लेबनान में घुस गई। लेकिन शुरुआत में इजरायल को ये काम जितना आसान नजर आ रहा था, हकीकत में ये उतना ही मुश्किल है, क्योंकि लेबनान में घुसने के बाद अब इजरायली सेना के एक साथ 8 सैनिक मारे गए हैं और कई जवान घायल भी हुए हैं। इजरायली न्यूज चैनल 12 के मुताबिक ये सैनिक दो अलग अलग जगहों पर हताहत हुए हैं। इसके अलावा इगोज कमांडो यूनिट के एक अधिकारी को मिलाकर कुल 5 जवान घायल भी हुए हैं। इजरायली आर्मी रेडियो के मुताबिक दक्षिणी लेबनान की एक बिल्डिंग में कमांडो फोर्स का सामना हिजबुल्ला के लड़ाकों से हुआ और यहीं पर ये सैनिक मारे गए हैं। इस हमले को लेकर एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें एक खुले घास के मैदान में आईडीएफ के 2 हेलीकॉप्टर उतर रहे हैं। दूसरी तरफ आईडीएफ के कुछ जवान स्ट्रेचर पर सैनिकों को लादकर हेलीकॉप्टर में ले जा रहे हैं। वहीं हिजबुल्ला का कहना है कि उसने गाइडेड मिसाइल से आईडीएफ के 3 मेरकावा टैंकों को भी उड़ा दिया। ये टैंक दक्षिणी लेबनान के मारून अल रस की तरफ बढ़ रहे थे। हिजबुल्ला ने यह भी दावा किया है कि उसके हमलों में आईडीएफ के अभी तक 80 से ज्यादा जवान घायल हुए हैं। हालांकि आईडीएफ की तरफ से इस आंकड़े की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं हिजबुल्ला का ये भी कहना है कि यारून कस्बे को इजरायली सेना जंगल के रास्ते से घेरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी हिजबुल्ला के लड़ाकों ने उन्हें बारूद से उड़ा दिया जिसमें कई जवान घायल हुए। इसके अलावा जब आईडीएफ ने खालेत अल माफेर से ओडेसे में घुसने की कोशिश की तो आईडीएफ पर एक बड़ा हमला हुआ जिसकी वजह से इजरायली सेना को पीछे हटना पड़ा। आपको बता दें कि इजरायली मीडिया ने इन हमलों को लेकर कहा कि बॉर्डर पर हिजबुल्ला से जंग के दौरान इगोज यूनिट के एक कमांडर की मौत हो गई है, जबकि 18 से ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं और घायल सैनिकों को निकालने के लिए आईडीएफ ने करीब 4 हेलीकॉप्टर मौके पर भेजे थे।